वेलकम टू माई चैनल। आई एम अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट SRCC। आज के वीडियो के अंदर हम मेरा ही जो इकोनॉमिक्स का पेपर है पिछले साल के CVT का, वो ही आज हम पूरा ढंग से सॉल्व करेंगे। वो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जो मैंने 10 क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो आप लीव करते हो, वो भी मैं सॉल्व करके बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखना। मैंने इंग्लिश का भी अपलोड कर चुकी हूँ और मैं BST का भी अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर तुम्हें उन सारी चीज़ों पर भी क्लैरिटी चाहिए तो वो वीडियोज भी देख लेना, ठीक है? तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बफर स्टॉक, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो देखो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बफर स्टॉक और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये आपस में भी लिंक है, क्योंकि एक ही चीज दूसरे को फैसिलिटेट करती है। बफर स्टॉक से ही पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलता है, और बफर स्टॉक इसीलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि गवर्नमेंट फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफर करती है, और कह सकते हैं एग्रीकल्चर के पिलर्स है ये सारी चीजें, ठीक है? और माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स की अगर मैं बात करूं तो ये फाइनेंस से ज्यादा रिलेटेड है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग से कम है, क्योंकि माइक्रो क्रेडिट का होता है डायरेक्टली कनेक्टेड है सेल्फ हेल्प ग्रुप से, और कैसे फाइनेंस जो है रूरल एरियाज में अच्छे से हो पाए और सबके पास फाइनेंस का अच्छा एक कुछ सोर्स हो, तो ये इससे ज्यादा रिलेटेड है। तो ऑप्शन सी नहीं होगा, ABD होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, ABD ओनली, सी नहीं होने वाला है ऑब्वियसली। और इस क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मेरा पहला क्वेश्चन था और मैं थोड़ा सा देख के डर गई थी इस क्वेश्चन को, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था। बट NTA के आंसर के हिसाब से इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। ओके, आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी मॉड्यूल द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग इन रिलेशन टू ग्रोथ। देखो, ग्रोथ की स्पेलिंग भी गलत लिखी हुई है, चलो वो सब चीजें, देखो तब ये सब चीजें हो सकती है तुम्हारे साथ भी, तो इन सब चीजों को ऑफेंड मत होना कि ये कैसे गलतियां कर सकते हैं, इनसे भी गलतियां होती है। तो बेसिकली इनका एक पूछा है, ग्रोथ इंप्लाइज अ लार्ज स्टॉक ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल, ग्रोथ इंप्लाइज अ लार्ज स्टॉक ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज, ग्रोथ इंप्लाइज एन इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन टू GDP बाय ईच सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ये भी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, ईच सेक्टर होना चाहिए, चलो वो सब चीजें छोड़ो। ग्रोथ इंप्लाइज एन इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विसेज, इसमें आपको इनकरेक्ट पूछा है। तो देखो, लार्ज स्टॉक ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल ऑब्वियसली होगा इसका, ठीक है? ग्रोथ हर किसी चीज में इंक्रीज चाहती, मतलब हर किसी चीज में इंक्रीज को इम्प्लाई करती है, सपोर्टिंग सर्विसेज में भी होगा और एफिशिएंसी में भी होगा। बट ये जो ये लिखा है ना कि इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन टू GDP बाय ईच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, ये नहीं होगा क्योंकि वो फिर इक्विटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन होता, तो ग्रोथ कहीं पर ये तरीके से इम्प्लाई नहीं करती है कि सारे सेक्टर्स इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि इंडिया ग्रो कर रहा है, पर ये नहीं कह सकते इस चीज, इस स्टेटमेंट से ये इम्प्लिसिट नहीं है कि हर सेक्टर ही उतना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। एग्रीकल्चर बहुत कम, प्राइमरी सेक्टर जो है हमारा वो बहुत कम कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, टर्शियरी सेक्टर है वो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो ग्रो डेफिनेटली इम्प्लाई नहीं करती है कि सब सेक्टर्स इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करें, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, A farmer wants to take credit to meet his expenditure in agricultural inputs. Which of the following is not an institution he may approach for the credit? So, मतलब basically ये बता रहा है कि कौन से institution को ये approach नहीं कर सकता for taking the credit. तो इसका correct answer होगा, पहले options read कर लेते हैं, regional rural banks, national bank for agriculture and rural development, commercial banks and land development banks. तो रीजनल रूरल बैंक्स को डेफिनेटली वो अप्रोच कर ही सकता है, क्योंकि बेसिकली उसी पर्पस से तो एस्टेब्लिश करे होते हैं ना रीजनल रूरल बैंक्स। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, देखो ये एक तरीके से अगर मैं तो बहुत ब्रीफली समझाने की कोशिश करूं, तो बेसिकली ये जो है वो RBI की तरह एक्ट करता है रूरल एरियाज में, तो ऑप्शन 2 नहीं होगा। कमर्शियल बैंक से डेफिनेटली फार्मर्स ले सकते हैं, लैंड डेवलपमेंट बैंक से भी ले सकते हैं, और ऑप्शन 2 जो है कि रेगुलेटरी बॉडी है, लोन्स जो है वो नहीं देगी, क्रेडिट नहीं देगी फार्मर्स को। और तुमने NCERT में पढ़ा होगा, तुम्हें समझ में आ गया होगा, बेसिकली तुम समझ लो कि RBI, क्या तुम RBI से जाके लोन ले सकते हो क्या? बस सिंपल सी वही बात है इसके अंदर। कमर्शियल बैंक्स में देखो, कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि बेचारे फार्मर्स को कमर्शियल बैंक्स थोड़ी ना लोन्स देंगे, उन सारी चीजों में मत पढ़ो, डेफिनेटली डिफिकल्ट होगा। पर इसमें ये पूछा है कि मतलब ये बिल्कुल अप्रोच कर ही नहीं सकता, इट्स नॉट एन इंस्टीट्यूशन, मतलब बिल्कुल भी स्कोप ही नहीं है, तो कमर्शियल बैंक में फिर भी तुम्हें क्रेडिट मिल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी या पता नहीं क्या हुआ, तो मुझे खुद नहीं याद, बट डेफिनेटली मेरे पास ऑप्शन होता है ना कुछ क्वेश्चन छोड़ने का, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया था। आगे बढ़ते हैं।
विच वन इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, इनमें से क्या चीज जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है गवर्नमेंट बजट के, तो री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इंक्रीज इन रीजनल डिस्पैरिटीज, इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें तो भाई प्राइमा फेज ही देख के समझ में आ रहा है इंक्रीज इन रीजनल डिस्पैरिटीज नहीं होगा, ऑप्शन थ्री होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट बजट का ये होता है कि डिक्रीज इन रीजनल डिस्पैरिटीज, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हियर। आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ गुड वाई, हाउ दी गुड्स आर रिलेटेड टू। तो एक की प्राइस अगर बढ़ रही है और दूसरे की डिमांड बढ़ रही है तो डायरेक्ट रिलेशन टिप दिखा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, तो क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, नॉर्मल गुड्स है, इंफीरियर गुड्स है या सब्स्टिट्यूट गुड्स है। देखो नॉर्मल और इंफीरियर की तो बात नहीं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि इनका जो रिलेशन है वो हमें इनकम के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो नॉर्मल और इंफीरियर तो हमने एलिमिनेट कर दिया। अगर हमें कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट की बात करूँ तो कॉम्प्लीमेंट्री वो होते हैं जो आपस में दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे या एक दूसरे के बिना आप यूज नहीं कर सकते। सब्स्टिट्यूट वो होते हैं जो आपस में आप दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, अगर बॉल पेन हो गया या इंक पेन हो गया तो वो सब्स्टिट्यूट है। तो अगर एक चीज की प्राइस बढ़ेगी, अगर बॉल पेन की प्राइस बढ़ती है तो जेल पेन की डिमांड जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि बॉल पेन लोग कम खरीदना पसंद करेंगे, वो जेल पेन की तरह स्विच हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, एक्सचेंज रेट चेंजेस फ्रॉम $1 इज 72 रुपीज टू 81 रुपीज, इनमें से क्या क्या चीजें जो हैं वो सही है। तो इम्पोर्ट्स विल फॉल, क्या इम्पोर्ट्स कम हो जाएंगे, मतलब क्या जो हमारे डोमेस्टिक सिटीजन्स है वो कम लेना पसंद करेंगे, बाहर से ज्यादा लेना पसंद करेंगे। देखो अगर $1 72 से 81 हो गया है तो यानी कि डॉलर हमारे लिए महंगा हो गया, यानी कि हमारी जो कंट्री की करेंसी की वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो गई है। तो इम्पोर्ट्स विल फॉल इन एवरी पॉसिबल सिचुएशन, वो कभी भी किसी भी कीमत पे राइज नहीं होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली यार कोई चीज महंगी हो गई तो तुम क्यों खरीदोगे ना, तुम्हारे पास पैसे तो उतने ही हैं तो तुम वो चीज को नहीं खरीदना पसंद करोगे। तो इम्पोर्ट्स विल फॉल, ठीक है। फिर आ जाते हैं, इम्पोर्ट्स विल राइज तो ऑफकोर्स नहीं होगा, फिर एक्सपोर्ट्स विल राइज। एक्सपोर्ट्स मतलब यहाँ से जो कंट्री से बाहर चीजें भेज रहे हैं वो होते हैं एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे ओइंग टू द फैक्ट के जो है मतलब बाहर से लोग खरीदना पसंद करेंगे, क्योंकि बाहर वाले लोग तो खरीदेंगे ना, क्योंकि अब पहले उनको जैसे फॉर एग्जाम्पल वो $1 में 72 टॉफीज खरीद रहे थे, फिर अब वो 81 टॉफीज खरीद पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो और खरीदेंगे ताकि मतलब उनको एक ही प्राइस पर ज्यादा चीजें मिल रही है, तो ऑब्वियसली उनके पास इंसेंटिव है एक्सपोर्ट को एनकरेज करने का। तो एक्सपोर्ट्स विल राइज, एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द डोमेस्टिक कंट्री टू द फॉरेन कंट्री विल राइज। ओके तो एक्सपोर्ट्स हो गया आपका, एक्सपोर्ट्स विल राइज। उसके बाद आता है नेशनल इनकम विल राइज या फिर नेशनल इनकम विल फॉल, तो इन दोनों में से क्या चीज होगी। अगर तुम नेशनल इनकम का फॉर्मूला जो है वो देखोगे तो उसमें होता है एक्स माइनस एम विच आर नेट एक्सपोर्ट्स। तो अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और इम्पोर्ट्स कम होंगे तो जो एक्स की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी, और तुम्हारे और अगर इम्पोर्ट्स कम होते हैं तो एम की वैल्यू कम हो जाएगी, तो तुम्हारा जो नेट एक्सपोर्ट्स है ना एक्स माइनस एम उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो नेशनल इनकम भी इंक्रीज होगी। तो ए सी और डी इस लॉजिक से करेक्ट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन टू, ए सी एंड डी। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, तो इसमें मैच करना है आपको। तो रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ करेंसी इज डेफिनेटली कॉल्ड एज डीवैल्यूएशन, तो ए का थ्री हो जाएगा। फिर डाइल्यूशन ऑफ शेयर इन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज डिस इन्वेस्टमेंट, ये तो बहुत सुना होगा, मतलब अगर तुम थोड़ी भी बिजनेस न्यूज वगैरह फॉलो करते हो तो डिस इन्वेस्टमेंट इज अ वेरी कॉमन टर्म, और तुम नाम से भी अंदाजा लगा सकते हो। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड बाय टैक्सेस दैट इज कॉल्ड एज टैरिफ बैरियर्स, तो सी का जो है वो फोर हो जाएगा। फिर राइज इन जनरल प्राइस लेवल दैट इज इन्फ्लेशन, महंगाई जैसे हम कहते हैं, तो ऑप्शन फोर शुड बी द करेक्ट आंसर हियर। आगे बढ़ते हैं। इन चाइना कैंपेन इनिशिएटेड इन 1958 एम एट इंडस्ट्रियलाइजिंग कंट्री ऑन अ मासिव स्केल, पीपल वर इनकरेज्ड टू सेट अप इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड, दिस कैंपेन इज कॉल्ड। इस कैंपेन को हम क्या बोलते हैं, जिसके अंदर जो है मतलब ये तुम्हारे इंडियन इकोनॉमी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसका नाम है ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ये देखो ग्रेट शो फॉरवर्ड, ग्रेट ड्रैगन फॉरवर्ड, ग्रेट रन फॉरवर्ड, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो है वो ही इसका करेक्ट आंसर है।
देखो कुछ लोग इसके अंदर ग्रेट ड्रैगन फॉरवर्ड में कंफ्यूज हो सकते हैं, ओइंग टू द फैक्ट कि हम चाइना को यूजुअली ड्रैगन से रेफर करते हैं। पर देखो ये जो कैंपेन है वो चाइना ने खुद ने इनिशिएट करा था, खुद ने चलाया था। तो चाइना खुद अपने आप को ड्रैगन नहीं बोलती है, जो बाकी की कंट्रीज हैं या बाकी की कंट्रीज के जो मीडिया वगैरह हैं वो उसे ड्रैगन से रेफर करते हैं। पर इस तो तुम अगर ये कॉमन सेंस भी लगाओ कि अगर तुम कंफ्यूज भी हो रहे हो, तुम्हें याद नहीं आ रहा है कैंपेन का नाम, क्योंकि कभी कभी हमें चीजें याद नहीं आती, तो तुम इस लॉजिक से सोच सकते हो कि चाइना खुद का कैंपेन में अपने आप को ड्रैगन नहीं बोलेगा, ठीक है? तो इसलिए ऑप्शन टू नहीं हो सकता, तो उस पे कंफ्यूज होने का भी कोई पॉइंट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। ब्रिटिश इंट्रोड्यूस रेलवेज इन इंडिया, लेटेस्ट पॉपुलेशन सेंसस, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अकॉर्डिंग टू सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियोरी, फर्स्ट सेंसस, सॉरी, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड एंड फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड बाय ब्रिटिश इंडिया। इसको आपको अरेंज करना है कि पहले क्या चीज हुई थी और बाद में क्या चीज हुई थी। ब्रिटिश इंट्रोड्यूस रेलवेज इन इंडिया, ये सबसे पहले हुआ था। आई थिंक इसका जो मेरे को एग्जैक्टली तो ईयर नहीं पता है, बट 1850s के अराउंड हुआ था। फिर आया था लेटेस्ट पॉपुलेशन सेंसस, 2011 में हुआ था। तो ए जो है वो सबसे पहले आएगा और बी जो है वो सबसे ज्यादा एंड में आएगा, ये तो हम दो ऑप्शन से बता सकते हैं। फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अकॉर्डिंग टू सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियोरी, ये भी बाद में ही हुआ था। और फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड बाय ब्रिटिश इंडिया, देखो यहाँ पर तुम थोड़ा कंफ्यूज लगते हो कि पहले रेलवेज आया था या पहले फर्स्ट सेंसस कंडक्ट करवाई थी। तो देखो 1881 में हुई थी फर्स्ट सेंसस, तो ऑब्वियसली 1850 पहले आता है 1880 से। तो ए जो है वो पहले आएगा ई से, तो ए ई और एंड में बी, उसके बाद ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, वो जो है वो पहले हुआ था, उसके बाद आया था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अकॉर्डिंग टू सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। देखो ग्रेट डिवाइड भी इसी चीज को मार्क करता है ना कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था, तो ग्रेट डिवाइड के बाद ही पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था, क्योंकि ग्रेट डिवाइड में पॉपुलेशन कम हुई थी। तो इसलिए पहले डी आएगा। और सी आई भी तुम कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो कि पहले ग्रेट डिवाइड आया था, उसके बाद पॉपुलेशन कम हुई थी, उसके बाद एक्सप्लोजन होने लगा था, और इसलिए हम उसको बोलते हैं ना ग्रेट डिवाइड के बाद का जो स्टेज है उसको हम सेकेंड स्टेज बोलते हैं, और जो ग्रेट डिवाइड के पहले वाला स्टेज है ना उसे हम बोलते हैं ये आपका पहला जो स्टेज है। तो ट्रांजिशन ग्रेट डिवाइड के बाद ही आया था। तो डी और सी, तो ए ई बी सी बी, उसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन फोर हो जाएगा। Which of the following are correct statements related to stock and flow? तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर आइडेंटिफाई करने हैं। फ्लोज आर डिफाइंड ओवर ऑन 1 जनवरी, फ्लोज आर डिवाइड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऑप्शन जो है इसके अंदर बी करेक्ट है। फ्लोज एंड स्टॉक्स, देखो 1 जनवरी तो करेक्ट हो ही नहीं सकता, ऑप्शन ए तो ऑब्वियसली कोई सेंस नहीं बनाता, इसलिए हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। फ्लोज एंड स्टॉक्स आर डिफाइंड एज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ऑब्वियसली नॉट। स्टॉक्स आर डिफाइंड फ्रॉम जनवरी टू डिसम्बर, कैन बी बिकॉज इट इज अ पीरियड, बट अभी अच्छा नहीं, स्टॉक्स की बात हो रही है तो स्टॉक्स तो डेफिनेटली जनवरी टू दिसंबर इज अ पीरियड, राइट? तो स्टॉक्स तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम डिफाइन होते हैं, तो डी भी नहीं हो सकता। स्टॉक्स आर डिफाइंड द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? तो उसका करेक्ट आंसर होगा बी एंड ई, व्हिच इज ऑप्शन नंबर वन, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है मैच करना है आपको यहाँ पर। प्रोडक्ट विल नॉट पास थ्रू फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन, फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन अगर नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली एक फाइनल गुड है, तो जो ए है उसका हो जाएगा टू। फिर आते हैं और प्रोडक्ट यूज्ड एज रॉ मटेरियल और इनपुट फॉर प्रोडक्शन, तो ये एक इंटरमीडिएट गुड है, तो बी का फोर हो जाएगा। फिर द गुड्स विच इनेबल्स फॉर प्रोडक्शन ऑन प्रोसेस, तो सी का जो है वन हो जाएगा। कैपिटल गुड, गुड्स परचेज बाय अल्टीमेट कंज्यूमर इज अ कंज्यूमर गुड, तो इसका डी का थ्री हो जाएगा और जो सी है उसका वन हो जाएगा, विच विल बी ए का टू, बी का फोर, सी का वन, डी का थ्री, एंड ऑप्शन टू शुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस, पहले क्या चीज हुई थी बाद में क्या चीज हुई थी वो आपको बताना है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन, सेटिंग अप ऑफ प्लानिंग कमीशन, रेजोल्यूशन विच फॉर्म द बेसिस ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान, एक्सचेंज रेट वॉज मेड फुल्ली कन्वर्टेबल फॉर करंट अकाउंट, कार्वे कमिटी। तो देखो ये चीज मुझे नहीं आती थी, मुझे एग्जैक्टली इसकी टाइमलाइन नहीं पता थी, और देखो बहुत कम चांसेस है कि हमें पांचों इवेंट्स के टाइमलाइन याद रहे, तो मैंने इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट नहीं किया था। बट एनटीए की आंसर की के अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन टू, बी ई सी ए डी। तो सेटिंग अप ऑफ प्लानिंग कमीशन, उसके बाद कार्वे कमिटी, फिर रेजोल्यूशन विच फॉर्म द बेस ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान, फिर आएगा ग्रीन रेवोल्यूशन, और उसके बाद जाएगा एक्सचेंज रेट वॉज मेड फुल्ली कन्वर्टेबल फॉर करंट अकाउंट्स।
ये चीज तो तुम्हें तभी अटेम्प्ट करनी चाहिए जब तुम्हें आती हो, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था। तो तुम ये भी देख सकते हो ना कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डेट्स की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अभी तक हम दो अभी 12 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, उसमें से हमने दो क्वेश्चन ऐसे देख लिए हैं जो कि टाइमलाइन बेस्ड थे। तो ध्यान रखना है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इस बात का। जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, किस कंट्री का जो है वो सबसे ज्यादा है। ये तो थोड़ा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, चाइना। ये तो बहुत डायरेक्ट है, अगर तुम्हें आता है तो आता, नहीं आता तो नहीं आता। मैं थोड़ा इसके अंदर इंडिया चाइना में कंफ्यूज हो गई थी, पर इसका करेक्ट आंसर उस टाइम के अकॉर्डिंग ऑप्शन 2 था। तो इसके लिए इसका आंसर है ऑप्शन 2 अकॉर्डिंग टू द आंसर की। फिर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। अब इसको मैच करना है, ठीक है? तो मैच करेंगे NABARD, ये कहाँ पर जाएगा? तो यस, ये आएगा सेटअप इन 1982। तो जो ए है उसका 4 हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद कुटुम्ब श्री। कुटुम्ब श्री क्या है? वुमेन ओरिएंटेड कम्युनिटी बाट पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम है ये। तो जो बी है उसका 1 हो जाएगा, A का 4, B का 1। फिर एनिमल हस्बेंड्री यूजेस अ मिक्स्ड क्रॉप लाइव स्टॉक फार्मिंग सिस्टम, तो C का 2 हो जाएगा। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग इज HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, इन सारी चीजों से डिवॉइड होती है, सब चीजें ऑर्गेनिक फार्मिंग में नहीं होती, इसलिए डी का जो है वो 3 हो जाएगा। देखो तुम्हें सिर्फ रिलेट करना है, तुम्हें ये नहीं देखना कि इसके अंदर क्या होता है। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर नहीं होते, तो भी ये डी से तुम जो मैच करोगे वो ऑप्शन 3 ही है, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 को ऑप्शन 2, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अभी इक्वेशन दे रखी है कि इफ सी इज इक्वल टू x+0.x6y एंड इन्वेस्टमेंट इज 1500, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन इकोनॉमी वुड बी 4050, फाइंड आउट द ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो इसमें तुम्हें ऑटोनॉमस कंजम्पशन पता लगाना है, विच इज C बार तुम्हें पता लगाना है। और तुम्हें इन्वेस्टमेंट दे रखा है, लेवल ऑफ इनकम दे रखा है, और तुम्हें कंजम्पशन की इक्वेशन दे रखी है, जो कंजम्पशन का तुम्हारा वो फंक्शन होता है उस चीज की दे रखी है। तो भी सिर्फ इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और इसका तुम्हें करेक्ट आंसर निकालना है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन 3 है, जो कि ऑप्शन 3 120 है। ऑल्दो मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि न्यूमेरिकल्स कम ही अटेम्प्ट करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना कंफ्यूजन रहता है न्यूमेरिकल्स के अंदर, इसलिए मैंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया था। फिर भी मैं तुम्हें थोड़ी सी हिंट देने की कोशिश करती हूँ, तुम्हें थोड़ा सा गाइड कर लेती हूँ इस क्वेश्चन के लिए। सिंपल सी बात है, देखो ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम दे रखी है, और हमको पता है कि जो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को जब तुम ऐड करते हो तब तुम्हारी इनकम आएगी। तो तुम्हें सिंपल ये इक्वेशन फ्रेम करनी है कि C+I=Y, और सी में तुम सी को ही रखो, अभी कुछ भी मत करो उसके अंदर। वाई को आई की जगह तुम 1500 रखोगे, और वाई की जगह तुम 4050 रखोगे, ठीक है? फिर जब तुम्हें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 4050 में से 1500 जो है वो तुमको माइनस करना पड़ेगा। तो तुम माइनस करोगे तो आएगा तुम्हारा 2550, ठीक है? तो जो सी की वैल्यू आ गई 2550, अब सी की जगह 2550 लिखो, और जो एक्स है उसे रहने दो, हमें एक्स की ही वैल्यू निकालनी है, क्योंकि वो ही हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। और 0.6 दे रखा है, और वाई भी तुम्हें दे रखा है, ठीक है? तो अब सी की जगह रखो 2550 = x, प्लस फिर 0.6 × मल्टीप्लाई करो तुम अपना ये जो इनकम है 4050 उसको, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 2430। तो 2550 = x + 2430। तो जब तुम x की वैल्यू निकालोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 120। तो x इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब देखो इन्होंने डायरेक्टली सी बार नहीं दे रखा है, स्मॉल सी बार जो तुम यूजुअली अपने टेक्स्ट बुक्स हो तुमने वैसे देखा होगा सी बार को, x जो है वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन को ही इंडिकेट कर रहा है। तुम बस अगर इतनी सी चीज पता चल जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसमें तो सिर्फ वैल्यूज पुट करके तुम्हें करेक्ट आंसर निकालना था, तो ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बट ये इतना पता होना चाहिए कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन कौन सा वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। फिर हाउ विल द अर्थक्वेक इन टर्की अफेक्ट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऑफ इकोनॉमी। देखो मैंने कहा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से जो है वो बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। और मैंने ये भी बताया था अपने इकोनॉमिक्स वाले CUT वाले वीडियो में कि तुम्हें PBC पे फोकस करना चाहिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि हमारे में
उसी से क्वेश्चंस आए थे, और चांसेस है कि इस बार भी वो वही चीज दे, क्योंकि मेजोरिटी पोर्शन जो उन्होंने सिलेबस में डिफाइन करा है वो पीपीसी के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि क्या पीपीसी पर जो है वो फर्क पड़ेगा, कि या वो राइट वर्ड शिफ्ट होगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, या फिर लेफ्ट वर्ड और राइट वर्ड दोनों जगह शिफ्ट होगा। देखो फोर्थ ऑप्शन को तुम बिल्कुल भी छोड़ दो, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। अब राइट वर्ड, लेफ्ट वर्ड और नो चेंज, नो चेंज को तब नहीं होता है जब तुम्हारे पास रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी सेम ही है। अब रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी अर्थक्वेक की वजह से चेंज हो रही है, अब चेंज हो रही है तो डेफिनेटली चेंज पीपीसी में भी कुछ तो शिफ्ट होगा ही होगा, तो ऑप्शन थ्री भी नहीं होने वाला। अब राइट वर्ड, लेफ्ट वर्ड, अब राइट वर्ड जब होगा तब तुम्हारे पास रिसोर्सेस इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट वर्ड तब होता है जब रिसोर्सेस जो है वो डिक्रीज हो रहा है। इस केस में अर्थक्वेक की वजह से ऑब्वियसली तुम्हारे रिसोर्सेस पे फर्क पड़ेगा, वो कम हो जाएंगे, तो इसका आंसर होगा लेफ्ट वर्ड। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल शिफ्ट लेफ्ट वर्ड, ऑप्शन टू। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन टू अकॉर्डिंग टू दी एनटीए की फाइनल आंसर की। मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा था क्योंकि मतलब मेरे पास ऑप्शन थे कुछ क्वेश्चन छोड़ने का, और मुझे लग रहा था कि मैं माइक्रो के क्वेश्चंस अवॉइड करूंगी अटेम्प्ट करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था खुद को कि मुझे शायद मेरा इतना वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 पर। 1970 पाकिस्तान इंट्रोड्यूस नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, बट लेटर ड्यू टू इंटरनेशनल प्रेशर दे शिफ्टेड द पॉलिसी टू। क्या क्या मतलब जो नेशनलाइजेशन से क्या चेंज आ गया। अब देखो अगर तुम्हें नहीं भी पता है तो नेशनलाइजेशन से क्या चेंज करेगा पाकिस्तान, तो डी नेशनलाइजेशन, ऑप्शन टू। इसमें तो ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड फॉरेन टर्नओवर ऑफ फर्म हु इज प्रोड्यूसिंग अ सर्टेन कमोडिटी, देयर विल बी अ सिचुएशन ऑफ मतलब क्या चीज होगी जब अनएक्सपेक्टेड फॉल होता है टर्नओवर में, तो सिचुएशन ऑफ या तो प्लान अक्यूमुलेशन या अनप्लान अक्यूमुलेशन या फिर अनप्लान डिक्यूमुलेशन या फिर प्लान डिक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज, तो ये चीजों में से तुम्हें चूज करना है। अब इसमें ये बोल रहा है कि टर्नओवर जो है फर्म का वो गिर गया। ठीक है, मतलब हमने सोचा था कि मैं 10,000 की सेल्स कर लूंगी, 10,000 यूनिट्स बेच दूंगी, पर मेरा जो अब डिमांड जो है वो 7,000 ही रह गई है, या फिर 7,000 जो है वो ही मेरे को लगता है कि अब मैंने एक्सपेक्ट तो 10,000 करा था, मैंने प्रोडक्शन भी उस हिसाब से किया था, बट मेरे जो बिक रही है वो 7,000 यूनिट्स ही बिक रही है। तो ऑब्वियसली अब मैंने 10,000 करा था, 10,000 का पूरा सब कुछ तैयार कर लिया और बिक तो मेरी 7,000 ही रही है, तो जो 3,000 है वो अनप्लान्ड अक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज है, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था कि इसे इतनी ज्यादा डिमांड कम हो जाएगी और मतलब मेरे पास ये अक्यूमुलेटेड इन्वेंट्रीज रह जाएंगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन टू, अनप्लान्ड अक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज। आगे बढ़ते हैं। पीपल डिमांड फॉरेन एक्सचेंज बिकॉज, क्यों किस रीजन की वजह से जो पीपल हैं वो फॉरेन एक्सचेंज को डिमांड करते हैं। तो दे वांट टू सेंड गिफ्ट्स अब्रॉड, द फॉरेनर्स एंड सेंड गिफ्ट इन आवर कंट्री, दे वांट टू परचेज इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम अ मार्केट, द फॉरेनर्स लाइक टू परचेज गुड्स फ्रॉम अ मार्केट। देखो फॉरेन एक्सचेंज इसलिए डिमांड करेंगे जब उनको कुछ फॉरेन से चीजें खरीदनी हो। अब इसमें एक ही ऑप्शन ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि हम फॉरेन से कुछ खरीद रहे, बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हम जो कंट्री के खुद के गुड्स हैं वो खरीद रहे हैं। जब हम कंट्री के अंदर के गुड्स ही खरीद रहे हैं तो हमें फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो फॉरेनर सेंड गिफ्ट इन अ कंट्री उसके लिए डोमेस्टिक करेंसी की जरूरत है, फॉरेन करेंसी की जरूरत नहीं है। दे वॉन्ट टू परचेज इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम अ मार्केट, उसके लिए भी डोमेस्टिक करेंसी की जरूरत है। द फॉरेनर्स लाइक टू परचेज गुड्स फ्रॉम अ मार्केट, उसके लिए भी डोमेस्टिक करेंसी की जरूरत है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन वन, दे वॉन्ट टू सेंड गिफ्ट अब्रॉड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन, इनमें से क्या जो है बेनिफिट्स नहीं मतलब बेनिफिट नहीं है एजुकेशन का या गलत है। इंक्रीजेस क्यूड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, रेजेस स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ लिविंग, इंक्रीजेस पार्टिसिपेशन रेट, डेवलप्स मेंटल एबिलिटीज। इसका आंसर तो तुम प्राइमा फेसी बिना ज्यादा कॉन्टेम्पलेट करके दे सकते हो कि ऑप्शन वन जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि जब एजुकेशन दोगे सब लोगों को कि तो ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्विटेबल होगा और ये स्क्यूड नहीं होगा। स्क्यूड का मतलब होता है एक तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड, बहुत नैरो होना, तो ऑप्शन वन शुड बी द करेक्ट आंसर ही। और आगे बढ़ते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क, इसमें से कौन से जो है वो डिसएडवांटेजेस हैं।
नो पेड लीव, नो रेगुलर इनकम, नो एक्सेस टू ट्रेनिंग, ये तो तीन है ही। अगर देखते परमिशन टू टेक लीव इज नॉट रिक्वायर्ड, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, पर कैजुअलाइजेशन जो है वो एक तरीके से आप इनफॉर्मल सेक्टर में लोगों को धकेल रहे हो, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। डी तो लेस वर्किंग आवर्स, तो ये तो प्रॉब्लम है, ज्यादा वर्किंग आवर्स होते हैं कैजुअलाइजेशन में। तो ए बी सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन थ्री जो है वो तुम्हारा सही है। आगे बढ़ते हैं, इसने पूछा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो है वो फॉर्मूला क्या है। तो ये तो भाई बहुत डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, इसके अंदर ज्यादा सोचने की बात नहीं है। अब देखो बहुत लोग इस फॉर्मेट में याद रखते हैं कि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। तो अब डेल्टा पी और क्यू की पोजिशन रिवर्स करी है, पर इनका मतलब रिवर्स इन द सेंस कि रिवर्स ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में नहीं करी है, यहाँ पर ही करी है। तो अगर तुम डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी लिखो या इंटू पी बाई क्यू लिखो या फिर इस तरीके से लिखो, बात वही आएगी क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो सेम ही आने वाला है। तो ऑप्शन टू यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयमेंट टू कैजुअल वेज वर्क इज नोन एज। तो इसका आंसर होगा कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। ये तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कैजुअल वेज वर्क, इन्होंने खुद ने वर्ड यूज कर लिया, तो ये बहुत बड़ा एक लीडिंग वर्ड है, तुम्हें मतलब गाइड करेगा कि आंसर जो है वो करेक्ट है, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर पूछा है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। सिंपल फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकाल लो, इसके अंदर ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी तुमको। सिर्फ क्या करना है, टोटल करो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर का, उसके बाद रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट का टोटल करो, और फिर रिसिप्ट में से एक्सपेंडिचर लेस कर लो। और अगर जब तुम ये करोगे तो तुम्हारे पास 12,500 आएगा। उसके बाद इसमें से इंटरेस्ट पेमेंट भी लेस करना है, तो वो 5,000 लेस कर लेना, तो 7,500 आएगा। और 7,500 ही ऑप्शन नंबर वन इसका करेक्ट आंसर है। बोरोइंग्स का तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला फॉलो करो, बाकी एडिशनल चीजों से तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना होता है क्वेश्चन के अंदर। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा है कि सी इज इक्वल टू 40 प्लस 0.8 वाई एंड वाई इज इक्वल टू 10, देन व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ये भी सिमिलर लाइंस पर ही है क्वेश्चन जो हमने पहले ऐसा क्वेश्चन जब सॉल्व किया था जिसके अंदर हमें ऑटोनॉमस कंजम्पशन निकालना था। तो बस कुछ भी नहीं है, इसके अंदर भी वैसे कर दो सी 40 प्लस 0.8 वाई प्लस 10 इज इक्वल टू वाई। तो जब तुम 50 करो, 50 हो जाएगा 50 प्लस 0.85 इज इक्वल टू वाई। फिर जब तुम 0.y को मतलब इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड भेजोगे तो तुम्हारे पास 0.2y इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। फिर जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो फिर तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 250। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर, 250। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और देखो दोनों ही क्वेश्चन में हमने सेम ही इक्वेशन का यूज करा है, तो देखो बहुत बेसिक बेसिक चीजें आती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तुमसे पूछते भी नहीं है। आगे चलते हैं। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स। ठीक है, देखो फिर एक टाइमलाइन बेस्ड क्वेश्चन है। अनाउंसमेंट ऑफ डीमोनेटाइजेशन, ये 2016 में हुआ था। सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी, अच्छा ये तो टाइमलाइन बेस्ड नहीं है, ये बता रहे कि पहले क्या हुआ बाद में क्या हो, इन द सेंस कि पहले क्या प्रॉब्लम सही उसके बाद क्या मेजर्स लिए गए। तो ये ज्यादा सिंपल है, इसके अंदर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तुम्हें। देखो सबसे पहले ऑब्वियसली सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी हुआ, उसके बाद इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुआ, इस वजह से ही तो इन्होंने ये एक्शन लिया था ना। फिर अनाउंसमेंट ऑफ डिमोनेटाइजेशन करा, फिर डिमोनेटाइजेशन का अनाउंसमेंट का ही एक सब इफेक्ट है कि रुपीज 500 और 1,000 नोट्स की जो लीगल टेंडर है, लीगल वैलिडिटी है, वो चली गई। तो ए के बाद आ जाएगा सी। फिर आ जाता है न्यू रुपीज 2,000 करेंसी नोट इन द सर्कुलेशन, ये एकदम एंड पे हुआ था। तो इसका ये बहुत सिंपल सा है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसका ऑप्शन वन करेक्ट आंसर है, बी डी ए सी ई। ये तुम्हें अगर नहीं पता है कि कौन सी चीज कब हुई थी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम के बाद क्या सोल्यूशन लिया गया, सोल्यूशन का क्या इफेक्ट रहा, बस इस पूरे एनालॉजी पर इस क्वेश्चन में आंसर आ गया था हमारा। आगे बढ़ते हैं। सपोज एन इंडिविजुअल बाइज 15 यूनिट्स ऑफ गुड्स व्हेन इट्स प्राइस इज रुपीज 5, व्हाट विल हैपन टू हिज डिमांड व्हेन प्राइस ऑफ द गुड इंक्रीजेस टू 7 पर यूनिट एंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द गुड इज 0.5। तो इसके अंदर है कि प्राइस इसकी बढ़ रही है इस गुड की, और इलास्टिसिटी जो है वो 0.5, यानी कि इलास्टिसिटी 0.5 होने का मतलब है कि भाई प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड पे तो फर्क पड़ ही रहा है। ऐसा नहीं है कि डिमांड पे फर्क नहीं पड़ रहा है, गुड इन इलास्टिक नहीं है, हम बोल सकते हैं कि इलास्टिक है ये गुड।
इसका जो करेक्ट आंसर होगा, प्राइस बढ़ने से इसकी जो डिमांड है वो रिड्यूस होगी, इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया था। आगे बढ़ते हैं। मैंने वो क्वेश्चन इसलिए अटेम्प्ट नहीं किया था क्योंकि मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था, क्योंकि एग्जैक्टली इन्होंने 0.5 दे रखा था इंस्टेड ऑफ 0.6 या 0.4 देना, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। बट ज्यादा कंफ्यूजन करने की बात थी नहीं इसके अंदर, क्योंकि प्राइस बढ़ रही है, 0.5 है, तो ऑब्वियसली डिमांड तो कम होनी ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरेंज दी फॉलोइंग, और एक्चुअल में ये भी चीज है ना कि डिमांड तो कम होनी ही है, कोई भी इलास्टिसिटी तुम ले लो। इलास्टिसिटी बस इतना डिटरमाइन करेगी कि डिमांड कम होगी तो कितनी कम होगी। कम तो होनी है क्योंकि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होनी ही है उस गुड की, ये तो लॉ ऑफ डिमांड तुम्हारा कहता है। तो इसका आंसर इन्होंने मतलब ये नहीं पूछा था कि कितनी कम होगी, बस इतना ही पूछा था कि डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट की इलास्टिसिटी कितनी दे रखी है, तुम्हें रिड्यूस हिज डिमांड ही तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरेंज दी फॉलोइंग ऑपरेशन इन अ सीक्वेंशियल मैनर इन ऑर्डर टू कैलकुलेट एनएनपीएफसी फ्रॉम जीडीपी एमपी। तो एनएनपीएफसी कैलकुलेट करना है तुम्हें जीडीपी एमपी से। ठीक है, तो इसका होगा मतलब एक तरीके से तुम्हें सीक्वेंशियल मैनर में अरेंज करना है। तो एनएनपीएफसी जो है वो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर जीडीपी एमपी, एक्चुअली तुम्हें जीडीपी एमपी दे रखा है और एनएनपीएफसी कैलकुलेट करना है। तो इसके अंदर सबसे पहले तुम जीडीपी एमपी लोगे, तो जीडीपी एमपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करोगे। तो अगर तुम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करोगे तो जीडीपी एमपी जो है वो जीडीपी एफसी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जब तुम जीडीपी एफसी में से डेप्रिसिएशन लेस करोगे तो वो एनडीपीएफसी बन जाएगा। फिर जब एनडीपीएफसी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करोगे फिर तुम्हारा बनेगा एनएनपीएफसी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए सी बी। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सा तुम्हारे नेशनल इनकम से क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट था नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अ कंट्रीज कंजम्पशन फंक्शन इज डिस्क्राइब्ड एज सी इज इक्वल टू 500 प्लस 0.7 y। इसके अंदर पूछा है कि तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन ऑब्वियसली 500 है, तो मैं बस इतना ये सोच रहे हैं कि तुम्हें पता तो है ना कि 500 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर है। देखो ये क्वेश्चन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीसरी बार इससे क्वेश्चन आ चुका है, तो ये क्वेश्चन तो अच्छे से समझ ही लेना। आगे बढ़ते हैं। मैच करना है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम दी ऑप्शंस गिवन बिलो। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज, आर परमानेंट वर्कर्स, फिर सेल्फ एम्प्लॉयड आर हु अर्न एंड ऑपरेट एन एंटरप्राइज टू अर्न देयर लाइवलीहुड, देन मनरेगा, अश्योरेंस ऑफ मिनिमम 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज द कॉमन फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रूरल इंडिया। इसके भी डायरेक्टली तुम्हारे आंसर जो है वो मैच हो रहे हैं, ज्यादा तुम्हें सोचना नहीं पड़ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर में। तो ऐसे क्वेश्चन को ना फटाफट अटेम्प्ट करने की कोशिश करा करो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं, इन व्हाट वेज लेबर लॉज इनेबल द वर्कर्स टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स, प्रोवाइडिंग मोर हॉलीडेज, प्रोटेक्शन ऑफ वेजेस, प्रोवाइडिंग अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, रेड्रेस ऑफ ग्रीवेंसेस, कॉम्पनसेशन फॉर लॉस, राइट टू ऑर्गेनाइज एंड फ्रॉम ट्रेड यूनियंस। तो देखो प्रोवाइडिंग मोर हॉलीडेज तो भाई नहीं हो सकता, राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, ज्यादा उन्हें हॉलीडेज प्रोवाइड करने से क्या ही मिलेगा, तो प्रोवाइडिंग मोर हॉलीडेज नहीं होगा। तो प्रोटेक्शन ऑफ वेजेस बिल्कुल होगा, प्रोवाइडिंग अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस नहीं होगा, रिड्रेस ऑफ ग्रीवेंसेस ये बिल्कुल होगा, राइट टू ऑर्गेनाइज एंड फॉर्म ट्रेड यूनियंस ये बिल्कुल होगा। देखो हमने हॉलीडेज को एलिमिनेट करना है, क्योंकि देखो हॉलीडेज ये नहीं देखा है, पेड हॉलीडेज, अनपेड हॉलीडेज, और हॉलीडेज एक बहुत ही वेग सा टर्म है, और ये एक हॉलीडेज देना राइट को प्रोटेक्ट नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं करता। ठीक है, और हमने सी भी एलिमिनेट करा था, प्रोवाइडिंग अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। अब लेबर लॉस तुम काम करोगे उसके पैसे मिलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस ये गवर्नमेंट देती है, जो जो बिजनेस जिनका होता है वो नहीं देते हैं। तो ए और सी जो है वो बिल्कुल नहीं होगा, बी डी ई ही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ इन जीडीपी विदाउट जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, तो जॉबलेस ग्रोथ हो जाएगा, ए का जो है वो 2 हो जाएगा। फिर आ जाते हैं, प्रोसेस ऑफ मूविंग सेल्फ एम्प्लॉयड एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरी टू कैजुअल वेज वर्क, इसका बी का 3 हो जाएगा, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। ऑल एस्टैब्लिशमेंट्स व्हिच एम्प्लॉय 10 हायर्ड वर्कर्स और मोर आर सेट टू कम इन फॉर्मल सेक्टर, देन इंक्रीजेस इन प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स इन फॉर्मल सेक्टर इज इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, व्हिच इज जो डी का है तुम्हारा हो जाएगा 4।
ऑप्शन टू शुड बी द करेक्ट आंसर हियर। आगे बढ़ते हैं। डैश मेजर्स इंटेंडेड टू करेक्ट सम ऑफ वीकनेसेस दैट हैव डेवलप्ड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। इस टाइप के मेजर्स को क्या बोलते हैं, ये तुमसे बेसिकली पूछा गया है। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, और तुम्हें जब वीकनेस करेक्ट करनी होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट की, वो टेम्पररी होता है, शॉर्ट टर्म होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन, स्टेबिलाईजेशन मेजर्स आर शॉर्ट टर्म मेजर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एस चीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एस चीट क्या होता है? एस चीट इज अ रेवेन्यू रिसीट। ये तुम्हारे आई थिंक बुक के अंदर क्लियरली मेंशनड है, रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी होती है, कैपिटल रिसीट्स क्या होती है। तो रेवेन्यू रिसीट जो है वो मतलब एस चीट बेसिकली जो तुम्हारे प्रॉपर्टी के मिल जाते हैं गवर्नमेंट को, जिस जो अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी होती है वो मेरे ख्याल से एस चीट होते हैं। तो वैसे भी इसका क्लियर डिमॉन्स्ट्रेशन दे रखा है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following statements true about autonomous transactions? These items are done to correct the imbalance of BOP account. बिल्कुल भी नहीं। These are also known as the below the line item. These only occur in capital account of BOP. BOP is said to be in surplus if autonomous receipts are greater than autonomous payments. देखो सबसे पहले तो बाकी सारी चीजें जो है, दीज आर ऑल्सो नोन एज बिलो द लाइन आइटम, बिल्कुल भी नहीं। वो अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन होते हैं, तो वो नहीं होगा। फिर जाते हैं, दीज ओनली अकर इन कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी, नहीं दोनों अकाउंट्स में होता है, कैपिटल करंट दोनों में। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेन नेशन इज अ बोरो फ्रॉम अदर कंट्रीज मीन्स, तो जब नेशन बोरोअर है तो क्या इंडिकेट करता है? ट्रेड सरप्लस, बिल्कुल भी नहीं। सरप्लस इन करंट अकाउंट, नहीं। डेफिसिट इन करंट अकाउंट एंड ट्रेड डेफिसिट। देखो करंट अकाउंट जब तुम्हारा डेफिसिट में होगा तभी तुम बोरोइंग करोगे। अगर तुम्हारा ट्रेड डेफिसिट है, पर ट्रेड डेफिसिट का क्या मतलब हुआ? जब तुम्हारे इम्पोर्ट्स ज्यादा हो रहे हैं तुम्हारे एक्सपोर्ट से, वो होता है ट्रेड डेफिसिट। बट करंट अकाउंट का मतलब ये है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तुम्हारे जो खर्चे उठाने के, ठीक है, जो तुम्हारे एक्सपेंडिचर है वो तुम्हारे तुमसे नहीं हो पा रहा है, इसलिए जो डेफिसिट होता है ना करंट अकाउंट, ये तुम्हारे आई थिंक बुक में भी मेंशन है ये स्टेटमेंट कि करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है वो इंडिकेट करता है कि कंट्री को कितना बोरो करना है। तो इसका डायरेक्टली आंसर ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा, ट्रेड डेफिसिट के अंदर कंफ्यूज मत होना। ट्रेड डेफिसिट डायरेक्टली इंडिकेट नहीं करता है कि कंट्री को बोरो करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो ऑप्शन टू शुड बी द करेक्ट आंसर हियर। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द सिंबल दैट इज यूज्ड टू डिनोट ऑटोनॉमस कंजम्पशन। आई थिंक ऑटोनॉमस कंजम्पशन से ये जो पेपर सेटर है उसे ऑब्सेशन ही था, तो अब तुम देख सकते हो कितने सारे ऑटोनॉमस कंजम्पशन पर क्वेश्चंस हैं। तो इसका आंसर है सी बार, ऑप्शन नंबर वन। द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज लिमिटेड शेल्फ लाइफ, ये तो डिसएडवांटेज है। लेबर इंटेंसिव, लिमिटेड ऑफ सीजन क्रॉप्स, मार्केटिंग इश्यूज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू, लेबर इंटेंसिव, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है, तो लेबर इंटेंसिव है तो लोगों को काम मिल जाता है। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन प्रॉपर सीक्वेंस। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कॉजेस स्किन कैंसर, हाई लेवल्स ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमाइन कंपाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर, फ्रिज ब्रॉट टू द हाउस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज्ड एज कूलिंग एजेंट, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। देखो ये सिंपल सा बात है कि ये तो अगर तुम्हें नहीं भी समझ में आ रहा है, तुम्हें नहीं पढ़ा हुआ है, तो भी तुम इसको आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि सबसे पहले तुम फ्रिज घर पे लेके आओगे, उसके बाद ही क्लोरो फ्लोरोकार्बन जो है वो ही तुम बस सोचोगे ना कि कूलिंग एजेंट जो है वो फ्रिज के अंदर, पहले तुम फ्रिज को इंट्रोड्यूस कराओगे, फिर फ्रिज की वर्किंग बताओगे कि कूलिंग एजेंट क्या। तो कूलिंग एजेंट फ्रिज का होता है क्लोरो फ्लोरोकार्बन, तो सी डी। उसके बाद आता है हाई लेवल्स ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमाइन कंपाउंड्स इन द स्ट्रेटोस्फेयर, सो सी डी फिर भी आ जाएगा। फिर आ जाएगा डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होती है, तो पहले स्ट्रेटोस्फेयर को इंट्रोड्यूस करवाओगे फिर ओजोन लेयर की बात करोगे। ठीक है, और लास्ट में तुम्हारा आ जाएगा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कॉजेज स्किन कैंसर। ये पूरा फार फेच्ड है, तो हम इसको एंड में रखेंगे। तो ऑप्शन जो थ्री है शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। द एपेक्स बॉडी दैट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा। देखो तुम ये इंडियन इकोनॉमी में इस पेपर सेटर को NABARD से बहुत ज्यादा अटैचमेंट था, और माइक ये जो तुम्हारा इकोनॉमिक्स है उसके अंदर बहुत ज्यादा कंजम्पशन के इक्वेशन से था, तो ये दोनों चीज पे फोकस कर लेना। आगे बढ़ते हैं। विच फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इज रेफर टू इन द अबव पैराग्राफ। तो पैराग्राफ रीड करना पड़ेगा इसके लिए।
द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली इम्पोज अ मॉनिटरी पेनल्टी ऑन 3 बैंक्स, ठीक है। और अच्छा, बेसिकली उन्होंने एक तरीके से पेनल्टी को इम्पोज करा, तो ये पूछ रहा है कि कौन सा फंक्शन को इंडिकेट करता है। तो फाइनेंशियल एडवाइजर एडवाइस नहीं दे रहा है यहाँ पे, सुपरवाइज कर रहा है, हाँ बिल्कुल सुपरवाइज कर रहा है, बैंकर्स बैंक नहीं, कुछ भी फाइनेंस का काम नहीं कर रहा है यहाँ पर, सिर्फ पेनल्टी लगा रहा है क्योंकि उन्होंने कुछ जो कंप्लायंस है वो नहीं करा था। फिर लेंडर टू लास्ट रिसोर्ट, ये भी चीज नहीं आई है क्योंकि जो बैंक है वो बैंक करप्ट नहीं हो रहा है, इसके पास पैसा है, बट इसने कुछ तो जो रेगुलेशन फॉलो नहीं करे, इस वजह से इस पर पेनल्टी लगाई जा रही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सुपरवाइजर टू बैंक्स, ठीक है। और तुम्हें अब इस हमें ये वाला दिया था, अब क्योंकि तुम्हें पेटीएम का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो मतलब सेम क्वेश्चन होगा, सेम ही आंसर होगा, बट तुम्हें एग्जाम्पल ये जो बैंक दे रखा है ना, अम्बेड डॉक्टर अम्बेडकर नागरिक सहकारी बैंक, वो उसकी जगह तुम्हें कुछ और दे सकते हैं, पेटीएम दे सकते हैं, पर आंसर सिमिलर ही होगा। आगे बढ़ते हैं। एज अ बैंकर्स बैंक, व्हाट इज द रोल प्लेड बाय आरबीआई? बैंकर बैंक होने के नाते कौन सा जो रोल है वो आरबीआई ने प्ले करा है वो तुम्हें बताना है। तो कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, मेंटेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, करेंसी इशू, लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट, क्लियरिंग हाउस। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स की, तो हाँ बैंकर्स बैंक का तो फंक्शन भी पढ़ोगे तो उसके अंदर यही चीज दे रखी है, तो कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स बिल्कुल होगा। फिर मेंटेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ये कोई लेना देना नहीं है बैंकर्स बैंक, ये अलग काम है आरबीआई का, तो बी तो नहीं होगा। करेंसी इशू, क्या करेंसी इशू जो है वो आरबीआई का काम है, करेंसी को इशू करना, बट बैंकर्स बैंक के फंक्शन से क्या लेना देना है इसका? तो जब कमर्शियल बैंक्स और आरबीआई का कोई कनेक्शन ही नहीं बैठ रहा है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये एक सेपरेट इंडिपेंडेंट फंक्शन है आरबीआई का, उसका कमर्शियल बैंक से कोई लेना देना नहीं है। और अभी हम इसकी बात कर रहे हैं कि जो आरबीआई का रोल है बैंकर्स बैंक का इन रिलेशन टू कमर्शियल बैंक्स, वो कैसे फुलफिल हो पा रहा है, तो ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं, इसी वजह से नहीं होगा। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट जो है ये बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली ये रिलेटेड है, क्लियरिंग हाउस भी रिलेटेड है, ये तो तुम्हारे बुक में डायरेक्टली गिवन है, तो मुझे लगता है एक बार ही तुमने रीडिंग करी हो तुम्हें आराम से समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो ऑप्शन 4 होगा, ए डी एंड ई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ डज आरबीआई एक्ट एज अ सुपरवाइजर टू बैंक? बैंकर टू गवर्नमेंट, एजेंट टू गवर्नमेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर टू गवर्नमेंट, इंस्पेक्शन एंड इम्पोजिंग पेनल्टी। ये तो ऑप्शन 4 ऑब्वियसली, तो इन्होंने मतलब एक ही क्वेश्चन का एक्सटेंशन है ये क्वेश्चन, तो इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। इफ ऑल द डिपॉजिटर्स वन डे कम टू विदड्रॉ ऑल द कैश, व्हाट वुड बी द रोल प्लेड बाय आरबीआई? तो मेंटेनिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट, मेंटेनिंग कैश रिजर्व्स एंड करेंसी इशू। तो देखो, अगर इसलिए जो हम कैश रिजर्व रखते हैं, जो एसएलआर होता है, जो सीआरआर होता है, वो इस वजह से ही रखा जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, इसका वो होगा लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। क्योंकि अब देखो, अगर सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि मेंटेनिंग कैश रिजर्व्स में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कैश रिजर्व हम रखते हैं ताकि जब कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी हमारे पास कैश का क्रंच हो, तो हम कैश रिजर्व में से पैसा लेकर के दे सकते हैं। अब क्योंकि इसके अंदर आरबीआई की बात करी जा रही है इंस्टेड ऑफ कमर्शियल बैंक्स, अगर कमर्शियल बैंक की बात करी जाती तो क्योंकि कमर्शियल बैंक्स उतना ही कैश रखते हैं, कुछ परसेंटेज रखते हैं, सब डिपॉजिटर्स के लिए कैश नहीं रख सकते हैं। इसके अंदर क्योंकि सारे डिपॉजिटर्स की बात करी गई है, तो आरबीआई को कितना भी भले वो कैश रिजर्व रख ले अपने पास बैंक, कमर्शियल बैंक, पर आरबीआई को जो है वो डेफिनेटली किसी भी कीमत पर, क्योंकि सारे डिपॉजिटर्स आ चुके हैं, वो सारा पैसा देना पड़े, कुछ तो पैसा देना ही पड़ेगा कमर्शियल बैंक को, क्योंकि कमर्शियल बैंक के पास इतना पैसा नहीं है कि वो सारे डिपॉजिटर्स को जो है पैसा दे सके। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। मैं इसके अंदर मेंटेनिंग कैश रिजर्व्स के अंदर इसलिए कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि मुझे कमर्शियल बैंक वाला एंगल में सोच रही थी, बट ऑल डिपॉजिटर्स हैं और आरबीआई की बात हो रही है, तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, ठीक है, ऑप्शन 2। इस वजह से मैंने क्वेश्चन छोड़ के दिया था। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? आरबीआई एक्ट एज बैंकर टू कमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक क्रिएट्स क्रेडिट इन इकोनॉमी, ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, नहीं ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, और 1 रुपी नोट एंड ऑल कॉइन्स आर इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब इसके अंदर आरबीआई एक्ट एज बैंकर टू द कमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक कहाँ से आया? कमर्शियल बैंक होता तो हम करेक्ट बोलते हैं, बट कमर्शियल सेंट्रल बैंक है इसलिए हम करेक्ट नहीं बोलेंगे।
सेंट्रल बैंक क्रिएट्स क्रेडिट इकोनॉमी, बिल्कुल भी नहीं, ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। सेंट्रल बैंक नहीं करता है क्रेडिट क्रिएट बिल्कुल भी, कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो क्रिएट करते हैं। वो तुमने अगर पूरी मनी मल्टीप्लायर की टेबल देखी होगी तो देखो क्रेडिट रेगुलर डेफिनेटली करता है सेंट्रल बैंक आरबीआई जो है, बट क्रिएट नहीं करेगा। आते हैं ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, ये तो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। जैसे जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, पर वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो 1 रुपी नोट एंड ऑल कॉइन्स, ये बात करेक्ट है, ये लिमिटेड लीगल टेंडर मनी होता है, क्यों ये आई थिंक बुक में भी मेंशनड है, तो ये बहुत एक्सप्लिसिट फैक्ट है, मुझे अच्छे से कंफर्म तरीके से पता था इसलिए मैंने ऑप्शन 4 मार्क कर दिया। अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो तो इस टाइप के क्वेश्चन छोड़ सकते हो, ठीक है। फिर जाते हैं, व्हेन वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर एस्टिमेटेड एट करंट प्राइस इट इज कॉल्ड एज नॉमिनल जीडीपी। इसके अंदर तो बिल्कुल भी सोचने वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, रियल जीडीपी इंक्रीजेस ओनली व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीजेस, ठीक है, वो भी उसी से कनेक्टेड है। रियल जीडीपी जो है वो प्रोडक्शन पे आउटपुट पे डायरेक्टली रिलेटेड होती है, प्राइस से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम प्राइसेस कॉन्स्टेंट लेते हैं रियल जीडीपी के अंदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, कीपिंग आउटपुट कॉन्स्टेंट नॉमिनल जीडीपी इंक्रीजेस बिकॉज प्राइसेस इंक्रीज, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, व्हाट व्हिच जीडीपी इज इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, ऑब्वियसली रियल जीडीपी, ठीक है। इफ आउटपुट इन इकोनॉमी इज डिक्रीजिंग बट जीडीपी ऑफ द कंट्री इज इंक्रीजिंग, विद जीडीपी इट इज दिस, मतलब इसमें तो कुछ भी सोचने वाली बात नहीं है, नॉमिनल जीडीपी है। सिमिलर लाइंस पर ही क्वेश्चन है जो हमने पहले भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं। तो यस, हमारा पेपर खत्म होता है, मैंने सारे क्वेश्चंस के तुम्हें आंसर्स बता दिए, अच्छे से गो थ्रू कर लो। मैंने जो क्वेश्चंस हमने नहीं करे थे उसके आंसर्स मैंने एनटीए की जो फाइनल आंसर की जो उन्होंने रिलीज करी थी उससे तुम्हें देख के बताए थे, और वो करेक्ट आंसर्स ही है। सीयूटी की जो आंसर की जो फाइनल है वो उसमें सारे करेक्ट आंसर्स है, ठीक है। तो आई होप कि अब तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करना, जो मैंने पॉइंट्स बताए, जो टॉपिक्स बताए, जो बहुत जिससे क्वेश्चंस रिपीट हुए उन्हें तो बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना, अच्छे से करो। तुम्हें ये लग रहा होगा कि बहुत फंडामेंटल सा, बहुत इजी सा पेपर है, तो हाँ तुम्हारा पेपर भी इतना इजी आएगा, बट एक्यूरेसी का ध्यान रखना कि ज्यादा क्वेश्चन तुम गलत नहीं करके आओ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, तो उस बात का भी बहुत ध्यान रखना। शांति से पेपर अटेम्प्ट करना, बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।